सतर्क रहना चाहिए। माया अपना लॉजिक ऐसा देती है एकदम, तो उसको काट नहीं सकते। कल प्रभु जी से बात हो रही थी, मैं तो प्रभु जी बता रहे थे कैसे बहुत जगह पे मीट खाने के लिए कैसे लोगों को प्रेरित किया जाता है। हॉस्टल में आप लोग बताए, मेरे को बताए थे कैसे हॉस्टल में सीनियर लोग कैसे दारू पीने के लिए प्रेरित करते हैं। बोलते देखो दारू पियो, तो मनुष्य ही गधा है, मतलब मनुष्य है कि तुम दारू पिएगा, तो नहीं भाई हम दारू नहीं पियेंगे। गधा दारू पीता है? बोले नहीं, गधा दारू नहीं पीता है। और तुम भी दारू नहीं पिएगा, तुम क्या हुआ? हम गधा नहीं भैया, समझ रहे? तो मनुष्य भी दारू पीता है नहीं पीता, और तुम भी दारू नहीं पिएगा, गधा भी दारू नहीं पीता, तुम भी नहीं पिएगा, तुम क्या है? हम गधा नहीं भैया। अरे देखो गधा को, देखो गधा लेके आए हम लोग डेमो के लिए। देखो गधा क्या पी रहा है? पानी और दारू में वह पानी पी रहा है। तुम क्या पिएगा? हम पानी पियेंगे भैया। पानी पिएगा तुम और गधे में क्या अंतर? क्या पिएगा तुम? तुम गधा है? बोले नहीं भैया गधा नहीं है। क्या पिएगा? दारू पिएगा। हम गधा थोड़ी, समझ रहे हैं? गधा तो सब है, पिलाने वाला भी पीने वाला भी, और समझ, माया देवी सबसे बड़ी है, सबको गधा बना रही, उल्लू का पट्टा बना। जैसे नॉनवेज खाने के लिए कैसे प्रेरित किया जाता है? कल तो बताया थे कि बहुत सारी, जब तक बच्ची का शादी नहीं होता तब तक उसको बुलाया था। देखो शादी नहीं हुआ, शादी में बात मान लो परिवार में सही नहीं मिला तो तुमको फिर वहां पर तकलीफ हो जाएगा, बनाना पड़ेगा। तुम मत खाना, बनाना तो पड़ेगा ना। बात तो सही है, इसलिए भी खा लो, खाएगी तभी तो सीखेगी। बोलो सेल्फलेस सर्विस क्या सीखो? तो उसको शादी के पहले ऐसे खिलाया जाता है, समझ रहे कि भाई नहीं खाएगी तो कैसे होगा, खाओ खाओ। और शादी के बाद जब शादी हो जाता है तब बुलाता है, तो मीट क्यों नहीं खा रही है? हाँ बोले विधवा लोग मीट नहीं खाती है। कौन मीट नहीं खाती है? जो विधवा होती है वो लोग थोड़ी ना मीट नहीं, वो लोग मीट नहीं खाते, उनके लिए नियम है। तुम विधवा है क्या? नहीं हम विधवा नहीं, नहीं खाएगी तुम्हारा पति मर जाएगा। नहीं, हम खा लेते। शादी के पहले भी मीट खिलाया था, शादी के बाद भी। विधवा लोग मीट नहीं खाते, इसका क्या मतलब? जो शादी से सबको मीट खाना पड़ेगा। कोई लॉजिक है क्या? हाँ तो इस प्रकार से लोग क्या दिया जाता है, माया नया नया वेरिएशन। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल्सो अलॉन्ग विथ अर्थ प्रवृत्ति ऑल्सो डू अलॉन्ग विथ, दैट्स वाई प्रभुपाद बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद जी पुस्तकों के बीच बीच में लीला के साथ तत्व भी डालते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी भी कृष्णा बुक पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। बाकी सब जगह पर डायरेक्ट रासलीला पढ़ेंगे तो मन विचलित हो सकता है। फिर प्रभुपाद हमेशा बीच बीच में क्या देंगे, बताएंगे कि हम लोग शरीर आत्मा है, ये सब लीला जो है भगवान की दिव्य लीला है, ताकि आदमी खुद की रासकल लीला ना करे, समझ रहे? मुझे विश्वास नहीं हुआ, कल मैं छत पे जब कर रहा था, किसी बात कर रहा था वक्त से, तो देखा नीचे यंग लड़का, शायद क्लास 7, 8, 9, 10 का, पता नहीं किसका क्लास का था, साइकिल से लड़का और दो एक तो लड़की दोनों खड़े होके, समझ रहे, और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लड़का उसके शरीर को छू रहा है, ऐसे कर रहा है, मतलब सब उसको लग रहा कोई नहीं देख रहा, लेकिन सीसीटीवी कैमरा हमारे ऊपर से ऑन, हम ऑन करना नहीं चाहते लेकिन हमारा विजन में आ गया, समझ रहे? आज आमिर तो थोड़ा बड़ा उम्र में, कह लो तो 12, 12, 13, 15 साल का उम्र में फिर लड़का उसको किस कर रहा है, मतलब समझ रहे क्या बुरा हाल है, तो रोड पे, समझ रहे? मतलब ऐसा कलयुग आ गया है, मतलब बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो हम लोग कल देख रहे थे कि कृष्ण की सुंदर लीलाएं, कि द्वारका में एक बार एक ब्राह्मण का क्या हो गया, बच्चा, पहले बच्चा पैदा हुआ,
पहले ही मार दिया तुमने, फास्ट फॉरवर्ड करता है। अरे खुशी तो होने दो उसको थोड़ा, बच्चा हुआ क्या, बधाई हो चौबे जी आपको, क्या हो दुबे जी को बधाई हो, मिश्रा जी को बधाई हो, समझ रहे। और बधाई के बाद फिर क्या है, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य उस बच्चा मर गया, समझ रहे। तो यही दुनिया है, समझ रहे। आप थोड़ी देर के लिए खुश होते हो, उससे पहले जब तक खुशी बनाते बनाते पता चलता है दूसरा दुख। एक लड़की की शादी हुई, एक बात नहीं बताई थी कि एक लड़की शादी हुई, सब लोग खुशी मनाए, तब तक पता चला जब तक वो लड़की फोन करके बोलती है इसका तो ऑलरेडी शादी हो चुका है। सच्ची घटना बता, माँ बाप खुश मना रहे, चलो बच्ची का शादी होगा, लड़का नौकरी वोकरी करता है अच्छा, और जब जैसे ही शादी करके गई पता चला लड़का ऑलरेडी क्या है। तो इस दुनिया में कभी खुशी नहीं, कभी खुशी ज्यादा गम, समझ रहे। कभी खुशी कभी गम नहीं, कभी खुशी और हमेशा मतलब गम के सागर में कभी कभी खुशी की लहर दिखने मिल जाती है। सागर क्या जिसका कले दोष निधिरा, दोषों का सागर है, कभी कभी कोई गुण दिखने मिल जाते हैं। तो हमारे ब्राह्मण जी का बच्चा किधर गया, मरता है आत्मा, वो स्वर्गवासी हो गया। स्वर्गवासी हुआ पता चलेगा, स्टोरी में कहा गया वैकुंठवास, पता चलेगा वो क्या किया। ब्राह्मण बचवा को लेके, उसका मृत शरीर को लेके राजा के दरबार के बाहर जाके चिल्लाने लगा। सब राजा लोग का है, सब भोगी लोग है, लोग सब काम का नहीं है, पापी लोग है, ब्राह्मण से द्वेष करता है, याद है ना क्या क्या वर्ड बोला था, ब्रह्म द्विष और क्या क्या, लुब्ध लोभी है, विषय आत्मण केवल विषयों में लत रहता है, इस प्रकार से खूब गाली दिया। बोला जो ऐसा राजा का के अंडर रहेगा वो बर्बाद, खूब गाली दिया। ऐसा राजा का कोई पूजा नहीं करना चाहिए, कोई सेवा। तो बहुत बार जब आदमी विचलित होता है तो क्या बोलेगा उसको भी पता, इसलिए जीवन में सीखना चाहिए अगर रिश्ता बनाना है तो दूसरा आदमी जब विचलित अवस्था में कुछ बोले तो उसको डिलीट मार दीजिए। क्या मार दीजिए, उसको डिलीट मत मारिए, उसके वचनों को। आजकल क्या हो गया है कि कुछ आदमी कोई कुछ विचलित कर दिया आपको तो उसी को डिलीट कर देंगे, सुपारी खिला देंगे इसको हटाओ। लेकिन उसके वचनों को जो उसमें हरिबोल स्थिति वो बोला उल्टा पुल्टा, बात एक पैसे करेगा दस बार घुमाएगा, मान ली उसको खाना नहीं मिला, समझ रहे। तो ठीक है उसको खाना नहीं मिला, इशू वो है, क्या बोलेगा, किचन इंचार्ज ऐसा ही है, हम देख रहे हैं उसका घर में ऐसा करता था, ऐसा है, हमको पहले 20 साल पहले का उसका हिस्ट्री पता है। एक उसको प्रसाद एक दिन लेट हो गया तो बेचारा कहां कहां, उसका उसका बाप ऐसा था, उसका घर का खानदान ऐसा है, समझ रहे, हम जानते हैं। अरे भाई, तो उसमें आदमी को ज्यादा विचलित नहीं होना है, क्योंकि अब वो बोलना चाह रहा है कि मेरा प्रसाद नहीं मिला मेरे को, बस बोलना क्या चाह रहा है, वो हमको दे दो मेरा प्रसाद, बस वो दे दो। फिर उसको बोलेगा बहुत अच्छे डिवोटिया, अरे आपके पिताजी तो हमारे पिताजी को हेल्प किए थे। आपका खानदान तो हमेशा दानियों में खानदानों में गिनती आती है, आप नहीं। तो मैनी टाइम्स पीपल स्पीक समथिंग वी शुड बी सारग्राही, वी शुड बी सारग्राही होंगे तो आप उसमें से एसेंस निकालेंगे, नहीं तो आप छोटी छोटी बातों को लेकर डिस्टर्ब हो जाएंगे, खुद भी डिस्टर्ब रहेंगे दूसरों को भी डिस्टर्ब। तो मनु वांट टू बिकम लीडर, अगर आपको जीवन में नेतृत्व करना है लोगों का तो आपको ये पता होगा। तो ब्राह्मण बोल रहा है बड़ी बड़ी बातें कि ऐसा राजा का पूजा होगा तो सब लोग का नाश हो जाएगा, राज्य चौपट हो जाएगा,
क्या वो ऐसा मीन कर रहा है? क्या उग्रसेन राजा लोगों की रक्षा नहीं करते थे? लेकिन आदमी डिस्टर्ब होता है तो फिर वो पूरा उड़ा देगा तुझे। तो सिमिलरली इन आवर लाइफ, अगर हमारे जीवन में कभी कभी हमारे बच्चे कुछ, आपके शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे मान लीजिए, या पत्नी होगी या जो भी हो परिवार वाले, तो थोड़ा सहना सीखना चाहिए, बातों को थोड़ा, ऐसा नहीं कि बच्चा कुछ बोल दिया उसको एक थप्पड़ मार के उसको खत्म ही कर दी। तो फिर बच्चा ठीक है उस समय के लिए चुप हो जाएगा, लेकिन उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वो एक जानवर की तरह रह जाएगा। उसको सिखाने का एक ही तरीका, थप्पड़ मार, समझ रहे? सो वैसे लोग मतलब भय के द्वारा ट्रेंड होते हैं, तो दे आर लाइक एनिमल्स। एनिमल्स आर ट्रेंड बाय फोर्स, बाय शस्त्र, वेपन्स। बट अगर आप किसी का निर्माण करना चाहते हैं तो उसको आपको शास्त्रों के द्वारा, इंटेलिजेंस के द्वारा, लॉजिक के द्वारा, समझ रहे, उसके द्वारा ट्रेन करना पड़ेगा। वो ट्रेनिंग नहीं ले पा रहा है वो, तब फिर उसको शस्त्र टेक्नोलॉजी लगाना पड़ेगा। बट पहले आदमी को प्रयास करना चाहिए कि लोगों को समझा के सब उसको ट्रेन किया जाए, फिर नहीं समझेगा तो फिर वापस। तो समझा के ट्रेनिंग करने में जरूरी कि उससे भी सुना जाए, क्या जरूरी है, तो उससे उसका विकास होता है। दैट पर्सन डेवलप द रीजनिंग फैकल्टी, इसका क्या होता है, वो भी पूछ सकता है, भाई ऐसे क्यों करे, वैसे क्यों करे, अच्छा ऐसे नहीं कर सकते क्या। तो वो डेप्थ में समझ पाता है कि प्रिंसिपल क्या है। लेकिन अगर सिर्फ शास्त्र शास्त्र उसको फोर्स से ट्रेन किया जाएगा तो उसका रीजनिंग पावर डेवलप नहीं होता है। तो यहां पर ब्राह्मण डिस्टर्ब्ड अवस्था में कुछ भी बोल रहे हैं और फिर वो चले गए गुस्सा होके, जब उनका गम थोड़ा सा ठंडा हुआ तो फिर वो चले गए। चिल्लाने से निकल जाता है भड़ास, चिल्ला लिया आके राजा के सामने, कुछ हुआ तो नहीं, चला गया। फिर दूसरा बच्चा पैदा, अरे पहला बच्चा हरी बोला तो अभी तो वैराग्य आ जाना चाहिए, लेकिन वैराग्य आता नहीं, समझ रहे। फिर जाके बच्चा पैदा किया, हम होंगे कामयाब। दूसरा बच्चा पैदा हुआ, सोचा कि ये तो जीवित रहेगा, लेकिन क्या करे, वो बच्चा क्या हुआ, अरे पहले पैदा हुआ, समझ रहे। बधाई हो, बधाई हो चौबे जी, दुबे जी, मिश्रा जी, समझ रहे, सिंह जी, जो भी है, समझ रहे, सब तरह क्या हुई, बधाइयां। फिर पता चला बच्चा भी हरि बोल, विदाई महोत्सव हो गया। तो भाई उसके बाद तीसरा बच्चा भी क्या हुआ, वो भी विदाई उत्सव हुआ, चौथा, पांचवा, छठा, और बार बार वो जाता था कहां, राजा के दरबार के बाहर खूब चिल्ला के आता था, लेकिन कोई नहीं आता था उधर, सिर्फ वो चिल्ला के आता था, कोई रहता नहीं। नौ बच्चा जब मर गया तो फिर वो आया चिल्लाने लगा। समा उस समय द्वारका में अर्जुन आया हुआ था, कौन आया हुआ था, तो अर्जुन आए हुए थे वहां पर, चलिए पढ़ते हैं। तो ब्राह्मण सेकंड चाइल्ड आल्सो डाइड एट बर्थ, है क्या उसमें, ब्राह्मण सेकंड चाइल्ड आल्सो डाइड विथ एंड द थर्ड आल्सो, ठीक है ना, ही हैड नाइन चिल्ड्रन, मिला। दिख रहा है, ये तो सिंपल हो गया। He had nine children, बैठ जाओ। ठीक है, दिखाई दे रहा ना मोटा मोटी। He had nine children, कितने बच्चे हुए थे उसके, who all died at birth, and each time he came to the gate of the palace to accuse the king. When the Brahman came to accuse the king of Dwarka for the ninth time, Arjuna happened to be present with. On hearing that a Brahman was accusing the king of not properly protecting him, Arjuna became inquisitive. Arjuna ko kya ho gaya, jigyasa ho gaya.
ये क्या हो रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? एंड अप्रोच द ब्राह्मण, ही सेड, माय डियर ब्राह्मण, व्हाई डू यू से देयर आर नो प्रॉपर क्षत्रियास टू प्रोटेक्ट द सिटीजंस ऑफ योर कंट्री? क्यों बोल रहे हो कि मेरे बच्चों की रक्षा कोई नहीं कर पा रहा, क्षत्रिय नहीं है कोई यहां पर? क्या यहां पर कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो एटलीस्ट क्षत्रिय के जैसा व्यवहार करके दिखा? ठीक है, रक्षा नहीं कर पाए, एटलीस्ट तीर धनुष लेकर खड़ा तो हो जाए, चलाए तो, हार जाए लेकिन एटलीस्ट प्रयास तो करे। इज देयर नोबडी? क्या कोई ऐसा भी नहीं है कि एटलीस्ट रक्षा करने का प्रयास तो करे? तुमको क्या लगता है, डू यू थिंक दैट ऑल द रॉयल पर्सनैलिटी, सभी राजा महाराजा, सभी क्षत्रिय क्या केवल पूजा पाठ में लगा हुआ है? दे सिंपली एंगेज परफॉर्मिंग सेक्रीफाइस विद द ब्राह्मण, बट हैव नो चैवलेस पावर। सी, ब्राह्मण लोग दिन भर यज्ञ करेगा, क्षत्रिय थोड़ा बहुत यज्ञ कर ले, उसके बाद दिन भर क्या करना, उसको प्रोटेक्शन करना है, रूल करना है। लगता है सब क्षत्रिय कैसा बन गया है, ब्राह्मणी कल बन गया, मतलब हिंदी मूवी के डायलॉग के साथ, हाथ में चूड़ी पहन ली, समझ रहे, या हाथ में आरती घुमा रहे हैं, समझ रहे? तो बोले सब ये लोग झूठ मूठ का केवल, क्या कोई भी यहां पर ऐसा नहीं है? तो उसने बताना चाह रहे, क्षत्रिय को ब्राह्मण जैसा काम नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय अगर ब्राह्मण जैसा हो जाएगा तो क्या होगा, लोग लूट के, ब्राह्मण जल्दी किसी को ना नहीं बोलेगा, समझ रहे, जो आएगा उसको ठीक है, ब्राह्मण झगड़ा नहीं करेगा, उसको कोई सीट से उठा देगा तो झगड़ा, कोई गलत भी करेगा तो ब्राह्मण ज्यादा अपोज, वर्ड से अपोज करेगा, पावर नहीं लगाएगा। लेकिन क्षत्रिय भी ब्राह्मण कल हो जाए, वो अटैक करे और कुछ नहीं करे वो, तो फिर तो पूरा हरिबोल हो जाए। तो पोपा सेज वायलेंस इज नॉनसेंसिकल, नॉन वायलेंस इज, ब्राह्मण के लिए नॉन वायलेंस बहुत अच्छा है, अहिंसा, लेकिन क्षत्रिय अगर नॉन अहिंसा का पालन करेगा तब तो हरी बोल हो जाए, समझ रहे? जैसे कोई आदमी चोरी कर रहा है और क्षत्रिय बोलेगा कि, चोर बोलेगा सर छोड़ दीजिए, हाँ ठीक है चल जा, चल जा, अगले बार से मत करेगा, समझ रहे? वो चोर बेटा फिर अगले बार करेगा, रियलाइजेशन के साथ हम सब सच्चा का बात है भाई, जो लोग बहुत बदमाश होता है वो लोग, आप उसको बढ़िया समझाओ ना, सुनता ही नहीं उसको, जब तक डोज नहीं देंगे वो तब तक। तो क्षत्रिय लोग अगर नॉन वायलेंट हो जाए, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट अगर मान लीजिए नॉन वायलेंट हुए, चोर चोरी करके आया पुलिस पकड़ा, छोड़ दिए सर छोड़ दिए, कोई बात नहीं अगली बार से मत करना, देखो हरे कृष्णा बोलो, समझ रहे? क्या ये सब करते हो, क्या फायदा इससे? चुप रहे, हाँ हाँ ठीक बोले, ठीक बोल रहे, माला करेगा, हाँ हाँ दीजिए माला, तो फिर माला लेके इसे दारू पी भूल गया, अरे उसके मन में क्या बैठ जाएगा, चोरी करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको पटा लेंगे हम, क्या करेंगे? तो एडमिनिस्ट्रेटर शुड नॉट बिकम नॉन वायलेंट, अगर एडमिनिस्ट्रेटर नॉन वायलेंट हो गए, इसलिए पहले जमाने में कोई बदमाशी किया तो उसका डायरेक्ट सजा क्या था, डेथ सेंटेंस, अगर कोई मर्डर किया कुछ किया तो उसको डेथ दिया था, नहीं तो फिर वो उसको एक को देने से पूरा समाज क्या होता था, सतर्क रहता, ये पाप नहीं करता। लेकिन आप नॉन वायलेंट हो जाओगे तो फिर क्या होगा, आपका शोषण किया जाएगा, समझ रहे? तो वन शुड नॉट बी नॉनसेंसिकली नॉन वायलेंट, ब्राह्मणास हु आर इन रियली एडवांस दे कैन बी नॉन वायलेंट, बट क्षत्रियास
भी नॉन वायलेंट हो जाएंगे तो फिर दिक्कत। तो अर्जुन बोलने लगा कि क्या ब्राह्मण लोग सब क्षत्रिय लोग सब ब्राह्मणिकल हो गया है क्या, तो पूजा पाठ ही कर रहे दिन में, तो हरे कृष्ण करेगा क्या दिन में? तो हरे कृष्ण करने का दम है दिन में तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन उसमें सो जाएगा। ही इज नॉट डूइंग हरे कृष्ण, ही इज ट्राइंग टू अवॉइड द पेन ऑफ फाइटिंग। जैसे आजकल पुलिस क्षत्रिय नहीं है, शूद्र है, क्या है पुलिस? किस लिए जो है? पैसा के लिए। तो जब पता चलेगा कि एनिमी बहुत खतरनाक गुंडा आया है तो छुप जाएगा, पुलिस क्या करेगा? बाहर नहीं आएगा कि बाप इंकाउंटर कर देगा हम। तो क्षत्रिया की शूद्र है, ब्राह्मण जाएगा नहीं, ब्राह्मण को डर नहीं लग रहा है लेकिन ब्राह्मण जाएगा नहीं, बिकॉज ही डोंट वॉन्ट टू एजिटेट हिमसेल्फ। बट क्षत्रिया विल फाइट एंड शूद्रा विल थिंक फिलोसफी ऑफ ब्राह्मण, माफ कर देना चाहिए, झगड़ा अच्छी बात नहीं, झगड़ा नहीं करना चाहिए। पॉइंट है कि नालायक के पास पावर नहीं जाने। सो ब्राह्मणा डजेंट गो आउट ऑफ कंपैशन, शूद्रा डजेंट गो आउट ऑफ फियर, समझ रहे? तो ब्राह्मणा टाइप पीपल आर दोज पीपल हु कैन क्वालिफाई एग्जाम, लाइक सेंट्स आर दोज पीपल हु कैन वर्क हार्ड एंड अर्न मनी, दे नो दैट इफ आई वर्क आई कैन अर्न मनी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट दे डोंट अर्न मनी थिंकिंग दैट व्हाट द यूज ऑफ मनी, बेटर आई गो बैक टू गॉड। तो सेंट्स knowingly, although they can work and earn, they don't work. Knowing that, I will earn spiritual wealth. But Sudra, he cannot earn only. उसको झंझट लगता काम काम करना, उसको और उसको कर भी नहीं सकता वो काम। तो philosophy क्या देगा? वो क्या बन जाते हैं ऐसे लोग? False साधु बन जाते। क्या बन जाते हैं? फिलोसफी बोलते क्या फायदा है दुनिया में, क्या तुम लेके आए थे, क्या तुम लेके जाओगे, अरे क्या रखा है दुनिया में, भोगों में क्या है? बट अंदर से भोग का वासना करने का इच्छा गया, अच्छा भोग मिल जाता तो पता चलता भाग गया कोई लड़की, समझ गया कुछ गड़बड़ कर दिया, पैसा लेके भाग गया। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन सेंट एंड अ बेगर, समझ रहे? ऑल्दो बोथ में लुक सेम, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोड ऑफ गुडनेस एंड ऑल्दो बोथ में लुक सेम, द डिफरेंस इज इन कॉन्शियसनेस, वन इज एडवांस कॉन्शियसनेस, ऑल्दो ही कैन वर्क इन एंड वर्क, बट व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वर्क? तो Arjuna was condemning that Kshatriya should not become non-violent. The Arjuna indicated that Kshatriya should not sit back comfortably on the pretext of performing Vedic rituals, but rather must be very chivalrous in protecting the so जो भी administration department है उसको active रहना पड़ेगा। वो अगर बोलेगा मान लो कोई क्लीनिंग ठीक है ऐसा कर रहे हो जाएगा, तब फिर पूरा गंदा हो जाएगा, समझ रहे? तो इंचार्जेस बिकम अकाउंटिंग, बोले ठीक है जब पैसा पता चलेगा पैसे नहीं आएगा, समझ रहे? सो इंचार्ज हैज टू बी वेरी वर्ड बट पोलाइट बट फर्म। तो उसके बाद बोलते हैं द ब्राह्मणास बीइंग एंगेज्ड इन स्पिरिचुअल एक्टिविटी
आर नॉट एक्सपेक्टेड टू एनीथिंग विच रिक्वायर्स फिजिकल एंडेवर. ब्राह्मणास बीइंग एंगेज्ड इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू एनीथिंग विच रिक्वायर्स फिजिकल. तो ब्राह्मण लोग चूंकि वो लोग ब्रह्म विज्ञान को अर्पण करने में, ज्ञान अर्जन करने में व्यस्त रहते, तो उनके लिए उससे उनको बोला जाता था आप लोग ज्यादा फिजिकल कुछ काम, तो दे नॉट डू एनीथिंग फिजिकल यूज बिकॉज दे आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग विच इज मोर सटल. सो देयर रोल इज, देयर रोल इज लाइक हेड. उनका रोल किस कैसा है, हेड का जैसा रोल है. जैसे मैं एक बार मैनेजमेंट कैंप में था और स्टूडेंट मैनेजर थे, तुम तो वो भी थे, मैं भी था वहां पर. तो ट्रेन में हम लोग उठ रहे थे और हड़बड़ था, मतलब एक ही मिनट रुकने वाला था. तो मैं डिवोटी का सेवा भी करना चाहता था, तो जिसका सामान नहीं हो पा तो मैं भी उसका भी उठा लिया. जब मैं स्टूडेंट था पहले का बात है, तो मैं उसका भी सामान ले लिया. हाँ तो मेरे को दीजिए, मेरे को दीजिए, समझ रहे हैं, और मैनेज भी कर रहा हूँ. हाँ इसको इधर बिठाओ, इधर बिठाओ, सामान भी ले लिया, समझ रहे. और फिर एक सामान छूट गया, क्योंकि मैं ज़्यादा सेवा करने के चक्कर में सामान भी बहुत ले लिया, मेरे को आइडिया नहीं रहा और कोई सामान को छोड़ दिया, समझ रहे. तो जिसका मान लीजिए आप हैंड का ज्यादा एक्टिविटी करेंगे, तो आप हेड का एक्टिविटी ज्यादा. तो इसलिए ब्राह्मणा हैज टू प्ले अ रोल ऑफ स्पिरिचुअल विजन. सो इन द वैदिक टाइम दे विल नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डू एनीथिंग फिजिकल. वो लोग को बुलाया था, बर्तन मत धोइए आप लोग, आप घर मत धोइए, हम कर देंगे. बिकॉज इफ दे डू लॉट ऑफ फिजिकल लेबर देन देयर बॉडी विल बिकम टायर्ड एंड दे विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन स्पिरिचुअल वर्क. सो दैट्स व्हाई ब्राह्मणास बीइंग इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू एनीथिंग विच रिक्वायर्ड फिजिकल. Because their role was giving what? Vision. They have to be in mode of goodness. तो उनको दिखाई देगा जो दूसरों को दिखाई नहीं देता. So that's why the role of Brahmanas was guidance. वो क्षत्रिय को विजन देते थे और उससे उसका लाइफ क्या हो जाता था परफेक्ट. नहीं तो वो बहुत मेहनत करेगा लेकिन वो मेन चीज नहीं देख पाएगा. मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट इन गुडनेस, सो दे कैन नॉट सी द रियलिटी, दे सी ओनली सुपरफिशियल थिंग्स. जैसे ऑनलाइन एग्जाम हो गया, अच्छा कि बुरा है, देखने में अच्छा मार्क्स आ गया 9.7, 9.8, बट एक्चुअली इट्स चीटिंग यू. बिना पढ़ाई का आपको मार्क्स आ गया, मतलब आपका मान लीजिए शरीर में 104 बुखार है, कितना बुखार है, और आप जाके डॉक्टर के पास चेकअप करा और मीटर दिखाया नहीं आपका 104 बुखार दिखा, 98.6 नॉर्मल हेल्दी बॉय है, पता चला लुढ़क गया अगले दिन. अरे कहाँ गया, डेंगू से मर गया. ये एक्सरे कराया, सही से एक्सरे रिपोर्ट नहीं आया, दिखाया नॉर्मल हड्डी, उसमें क्या था एयरलाइन क्रैक था, फिर धीरे धीरे करके हड्डी टूट गई. और एक दिन कुर्सी में बैठा था, फिर आवाज आया खड़ा, कुर्सी टूटा है, वो टूट गया. सो द पॉइंट इज नो, मोस्ट ऑफ द पीपल विल बिकम दोज वर शूद्रास, दे बिकम वेरी हैप्पी. क्या हो गया एग्जाम, हरी ओ, भगवान से ही प्रार्थना करेगा नालायक आदमी, हे गोविंद जी ऑनलाइन करवा दीजिए. सो दे सी थिंग्स बट दे कैन नॉट सी थिंग्स, दोज आर शूद्रा. लिखता पढ़ता है, टोबैको कॉजेस कैंसर, देखता है क्या देखता है, वो
समझ रहे हो, देखता है लिखा हुआ है स्मोकिंग की, फिर भी समझ रहे धुआं से ढक दो स्मोकिंग की। तो आप बताओ कि मतलब उसका बुद्धि, मतलब उसको देख के भी नहीं देख सकता, पस्ते न पीना, देख के भी उसको दिखाई नहीं दे रहा। Needed a vision to see things, but जो आदमी सतोगुण में रहेगा, ब्राह्मण का रोल था कहा किसमें रहना, सतोगुण में रहना, शास्त्र अध्ययन करना, then he can see the deep reality with you. He can see the deep reality. The शास्त्र are filled with deep reality. उसको बहुत deep चीजें दिखती है। एक बार एक अवधूत ब्राह्मण घूम रहे थे, तो एक आदमी उनसे मिले और पूछने लगे कि भाई मुझे ज्ञान दीजिए। तो बोले मैं 24 गुरु हूँ। क्या है उसमें, एक बोला मधुमक्खी मेरी गुरु है, उनसे ही मैंने कुछ सीखा, कुछ से पॉजिटिव लेसन सीखा, कुछ से आदमी गलत करता उससे भी सीख सकता कि ऐसा नहीं करना। आदमी मान लीजिए टीचर से झगड़ा कर लिया तो उसको रेस्टिकेट कर दिया गया, तो वो हमारा गुरु है, सिखाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मधुमक्खी से क्या सीखा कि मधुमक्खी बेचारी साल भर मेहनत करती है, समझ रहे, मधु बना बना के एकदम स्टोर करके सेफली रखती है उसको, बी हाइव में एकदम ना एकदम वैक्स कोटिंग करके एकदम गिरता नहीं एक बूंद भी, पैक करके एकदम सील पैक, समझ रहे, बढ़िया से एकदम चकाचक फ्रेश, उसमें एकदम फ्रेश रहता है, एकदम प्रोटेक्टेड रहता है। अब फिर क्या होता है प्रोडक्ट कि मेरा फ्यूचर में बहुत सिक्योर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बाद में एकदम एंजॉय करेंगे एकदम। अब फिर एक दिन वो आता है, कौन, हाँ वो जो उसका शिकारी होता है, जो उसको बी हाइव कलेक्टर होता है, वो आता है और आग लगा, समझ रहे, और सब हनी लेके। ऐसे भागवत शिक्षा सिखाते कि दुनिया के लोग ऐसे करते, जीवन भर खटते खटते पैसा कमाते कमाते कमाते, और फिर माया देवी एक दिन मृत्यु मार के उसको ना इंजॉय करता है ना लेके जाते। कलेक्शन में पूरा एनर्जी लगाया, कलेक्शन यूज कर पाया, ऐसे लोग पैसा कमाते बस बैंक में रखने, इतना ही सुखी मिलता है कि बैंक में मेरा अकाउंट पैसा बढ़ रहा, उससे ज्यादा सुख कुछ उसको इंजॉय करने का टाइम नहीं उसके पास। तो बट उस आदमी को दिखेगा नहीं जब तक वो रजोगुण से होगा, कितने फायदा क्या होगा। प्रभुपाद का भक्तों ने उनके लिए बुलेट प्रूफ कार अरेंज किया, वाह प्रभुपाद जी सोचे का गजब की। प्रभुपाद बोले अरे बोले प्रभुपाद जी बुलेट प्रूफ कार, गोली वोली मारता है, गोली मार देगा क्या, समझ रहे, तो कार का क्या फायदा हुआ, आतंक फैला भाई गोली गोली मारने का। तो इसी एडवांसमेंट हम लोग रास्ते में चलते, हमको डर है क्या गोली मार दे, तो बुलेट प्रूफ कार को क्या समझ रहे थे वो लोग, एडवांस, बट एक्चुअली इट वाज डिग्रेडेशन। सो दैट्स व्हाई आदमी को क्या चाहिए, थोड़ा सतुगुण चाहिए। तो ब्राह्मण लोग क्या करते थे, उनको फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, ताकि वो लोग बहुत डीप चीजों को देख के आपको समझा, बिकॉज यूजुअली लोग पैशन में जाते तो उनको समझ में नहीं आता क्या सही है क्या नहीं है। तो आज समाज पैशन में जा रहा तो समझ नहीं पाते क्या सही है क्या नहीं, इमीडिएट बेनिफिट देखते, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे टॉलरेट नहीं करेगा, छोटे छोटे बात के लिए झगड़ा कर लेगा, फिर दोनों दुखी रहेगा। तो इस प्रकार से अर्जुन बोल रहा है कि ठीक है, क्या सब लोग क्षत्रिय लोग क्या बन गए,
ब्राह्मणिकल हो गए क्या? ठीक है, ब्राह्मण के लिए फिजिकल एक्टिविटी अच्छा नहीं, बट क्षत्रिय को तो करना चाहिए। तो इस प्रकार से तो अर्जुन फिर एकदम गुस्सा हो गया, उसके अंदर क्या आ गया, क्षत्रिय भाव। अरे कोई रक्षा नहीं, हम देंगे। इफ द ब्राह्मण आस फील अनवांटेड सेपरेशन फ्रॉम देयर वाइफ्स एंड चिल्ड्रन, अर्जुन कंटिन्यू, एंड द क्षत्रियस किंग डू नॉट टेक केयर ऑफ देम, सच क्षत्रियस आर टू बी कंसीडर्ड नो मोर देन स्टेज। ब्राह्मण का कुछ नीड है छोटा मोटा, उसको खाने को कुछ चाहिए, उसका परिवार का संरक्षण चाहिए, वो क्षत्रिय उतना कर देगा तो फिर पीसफुल माइंड से सेवा, तो उसको गाइडेंस अच्छा दे पाएगा, बस उसको खाने को इनसिक्योरिटी कर देगा। इसलिए वैदिक जमाने में बाकी जो वर्ण होते थे ब्राह्मण जो रियली में गुडनेस में थे, आजकल वाला ब्राह्मण नहीं, वैसे ब्राह्मणों के लिए वो लोग खुद ही कुछ अरेंज कर देते थे उनका रहने का खाने का। दे विल नॉट वर्क, ब्राह्मण विल नॉट वर्क एंड टेक सैलरी, बट पीपल विल गिव सम गिफ्ट्स, वो लोग अरेंज कर देंगे उनका खाना रहना सब। तो बोले क्षत्रिय लोग उनको सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? अब उनको अपने बच्चा के बारे में चिंता है, वाइफ के बारे में चिंता है, क्षत्रिय क्या कर रहा है उसको सपोर्ट, तब फिर लोग केवल क्या कर रहा है, क्षत्रिय लोग केवल जैसे ड्रामा में परफॉर्मेंस करता, कोई मान लीजिए कोई लड़का है समझ रहे हैं, और उसने रोल ले लिया मान लीजिए रावण का समझ रहे हैं, लेकिन वो क्या रावण हो गया क्या रोल में समझ रहे हैं, या कोई आदमी किसी का रोल ले लिया लेकिन उसका उसका वो स्टेज प्लेयर है, वो सिर्फ उसका रोल लिया, उसका परफॉर्मेंस वो दे नहीं पाए समझ रहे, किसी ने रोल ले लिया मान लीजिए किसी का, लेकिन उसके पास उतना एबिलिटी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई राजा थे बहुत पावरफुल भरत राजा, उन्होंने शेर के साथ युद्ध कर लिया, क्या किसके साथ युद्ध कर लिया था? अब ड्रामा में कोई भरत का रोल ले लिया नहीं, उस शेर के साथ युद्ध कर पाएगा क्या? तो बोले क्षत्रिया ये लोग क्षत्रिय कैसे हैं जो आपको रक्षा नहीं कर पा रहे, ये लोग किसके ड्रामा में प्ले करने वाले क्या है, लोग स्टेज प्लेयर्स। इन ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इन द थिएटर एन एक्टर मे प्ले द पार्ट ऑफ अ किंग, बट नो वन एक्सपेक्ट एनी बेनिफिट फ्रॉम सच मेक बिलीव, उससे कोई बेनिफिट खोजता एक्सपेक्ट नहीं करता। सिमिलरली इफ द किंग और द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ए स्टेट cannot give protection to the head of the social structure, he is considered merely a bluffer. राजा टैक्स लेगा सब लेगा लेकिन लोग का रक्षा नहीं कर पाएगा तो क्या है वो, एक नंबर का केवल धोखा दे। राजा पावरफुल तो कोई चोरी कर नहीं सकता, उसका इतना पावरफुल सिस्टम रहेगा कोई चोरी, मतलब वैदिक सभ्यता में कोई चोर अगर किसी समान रोड पे पड़ा हुआ है अगर हाथ उधर देगा तब तक कोई तलवार के काट देगा, तो सोचेगा नहीं रोड पे कोई चेन गिरा हुआ है उठा लेता, इतना वो लोग का स्पाइस था, इतना पावरफुल सिस्टम था, तो सोचे रहा है हाँ डाले रहा था तो हाथ आगे एक दूसरा तलवार काट दे, इतना पावरफुल का मैनेज। तो राजा इतना पावरफुल होता है लेकिन आजकल का कोई फायदा नहीं। Similarly, if the king or the executive head of a state cannot give protection to head of the social structure, he is considered merely a bluffer. Such executive head simply live for their own livelihood while occupying exalted post as chiefs of state. वो लोग केवल पैसा लेता है लेकिन कुछ करता। अर्जुन बोलता है मैं सौगंध खा के कहता हूं, कुंती पुत्र अर्जुन क्या कह रहा है, क्षत्रिय लोग कैसे हाथ उठाने का हैबिट से समझ रहे, तो अर्जुन मैं तुमको सौगंध खा के कहता हूं समझ रहे कि मैं तुम्हारे बच्चा का रक्षा, तुम क्रिकेट टीम का 10वां मेंबर रेडी करो हम रक्षा करेंगे, और अगर ऐसा नहीं कर पाया, इतना बोलना था कि मैं करूंगा नहीं कर पाया तो भी कंडीशन लिया, मां कसम हम तुम्हारे रक्षा तो करके दिया, और नहीं किए तो हम आग में कूद के जला के राख हो जाएंगे समझ रहे, ताकि हम जो तुम्हारा रक्षा नहीं कर पाया उसका पाप से हमको जो पाप लगा उसे हम शुद्ध हो जाएंगे,
ऐसा बोलकर अर्जुन एकदम तलवार को काट उठते तो समझ रहे अच्छा मूवी बनेगा इस प्रकार से अर्जुन एकदम समझ फॉर्म में एकदम। तो वो आदमी कम नहीं था, ब्राह्मण था, बहुत बुद्धिमान था, सतुगुण में था भाई। तो ब्राह्मण बोला ये सब हमारे सामने नौटंकी मत करो, हमारे सामने। ब्राह्मण बोला रे बहुत हीरो बन रहा है तुम अर्जुन, हाँ इधर बलराम जी बैठल है, उग्रसेन जी बैठल है और भगवान श्री कृष्ण भी बैठल है, उन लोग तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। पद्म अनिरुद्ध खूब बड़ा बड़ा हीरो है, स्पोर्ट स्टार, सब लोग कोई कर ही नहीं पा रहा है और तुम क्या करेगा रे, समझ रहे। तो बोले टेंशन मत, तुम कुछ नहीं कर पाएगा, समझ रहे हमको लग रहा है तुम फेंक रहा है, क्या कर रहा है तुमसे, तुम्हारा लग रहा है तुम जैसे कोई बच्चा को एक्सपीरियंस नहीं होता है ना, तो एग्जाम के पहले सोचता है जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, क्या है कौन सा एग्जाम है, IIT हम रैंक बन ले आएंगे, हम क्या ले आएंगे रैंक बन, क्या दिक्कत है, हो जाएगा सर। तो बेटा घुसो जब पता चलेगा हीरोडम इतना पतला बुक तो हम एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे, इतना पतला सा बुक है ना तो हम एक दिन में कंप्लीट, समझ एक दिन में कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट क्यों नहीं हो जाएगा, पेज नंबर 1 2 3 कंप्लीट हो। सो पॉइंट इज अर्जुन को बोला तुम बच्चा ऐसा बात कर रहा है, तुमको तो पता नहीं क्या चल रहा है था, तुमसे कुछ नहीं होगा, छोटी मोटी मत बोलो, तुम पे विश्वास, तुम्हारा खून उन देख के हम ये सब नौटंकी देख के हम पिघलेंगे नहीं। अर्जुन फिर गुस्सा आ गया उसको, समझ रहे, देखा कि इसका विश्वास छूट गया, इसका विश्वास सभी क्षत्रियों पे। तो उसको प्रेरणा देने के लिए देयरफॉर टू इंकरेज हिम अर्जुन देन अंडरस्टूड दैट ब्राह्मण हैड लॉस्ट ऑल फेथ इन क्षत्रिया। अब 9 बीज का बच्चा मर जाए उसका विश्वास तो टूटे जाएगा, समझ रहे। तो उसका विश्वास टूट गया था तो फिर उसको इंकरेज करने के बोले, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को क्रिटिसाइज करना चालू किया, देयरफॉर टू इंकरेज दैट ब्राह्मणा अर्जुन आई स्पोक एज इफ क्रिटिसाइजिंग इवन हिज फ्रेंड लॉर्ड श्री कृष्ण। अब बगल में कृष्णा उसका महले में था, सुने रहा था, समझ रहे। तो व्हेन लॉर्ड कृष्णा एंड अदर्स वर लिसनिंग ही स्पेसिफिकली अटैक कृष्णा, क्या बोले, तो ये जो लाइन है क्या बोले वो, माय डियर ब्राह्मण, हे ब्राह्मण ऐसा मत बोल, तलवार हाथ में ऐसा मत बोल, मैंने कसम खाया कोई मेरे बारे में ऐसा बोलेगा तो हमसे सहा, हम क्षत्रिय हमसे सहा कम जाता है, बुद्धि कम कम करता है, तलवार ज्यादा काम करता है, तुम्हारा बुद्धि ज्यादा काम करता है, बुद्धि से बहुत बड़ा बड़ा बात बोला, तुम ज्यादा बात बोले हम गला उड़ाते, तुम टेंशन मत लो, समझ रहे। हे ब्राह्मण हम संकर्षण नहीं है, हम कृष्ण नहीं है, समझ रहे, कृष्ण का बचवा उछवा भी नहीं, हम पद्म अनिरुद्ध भी नहीं है, हम अर्जुन है अर्जुन, समझ रहे, हम बेकार कृष्ण नहीं, हम क्या है अर्जुन है, गांडीव धारी अर्जुन, सुना है नाम तुमने गांडीव का, देखो हम गांडीव धारी क्या है, हमको ऐसे गाली मत दो, हम पे ऐसे शक मत करो, समझ रहे। अरे हमने शिव जी को भी संतुष्ट किया था और शिव जी ने हमको वरदान दिया था, समझ रहे, उनसे भाई में झगड़ा किया था हमने और वो शिकारी के रूप में आए थे और फिर बाद में उन्होंने मुझे खुश होकर पशुपति अस्त्र दिया था, इसलिए तुम मेरे बारे में मत, स्वर्ग भी जाके आया था, इंद्र मेरे को आधा आसन में बिठाया, निवात कवच 60,000 लोग हरि बोल के, तुम मेरे को जानता क्या, ऐसे बोल के हम कृष्ण है क्या, हम कृष्ण का बात है किस बचुआ है, हम कृष्ण थोड़ा, हम गांधीधारी क्या है, तो कोई बोलेगा अरे अर्जुन इतना बड़ा भक्त हो के कृष्ण को क्यों उड़ा रहा है। तो ये चीज भागवत में नहीं दिया हुआ, ये चीज भागवत के श्लोक में नहीं दिया हुआ, वहां पर सिर्फ अर्जुन डायरेक्ट उड़ा रहा है कृष्ण को, लेकिन प्रभुपाद जी की परपोट में जो यहां पर क्या लिख दिए, पैराग्राफ पढ़िए, अर्जुना देन अंडरस्टूड द ब्राह्मण हैड लॉस्ट ऑल फेथ इन द क्षत्रिया किंग्स, देयरफॉर टू इनकरेज हिम
अर्जुन आई स्पोक एज इफ क्रिटिसाइजिंग इवन इज ओन फ्रेंड। तो इसीलिए इफ यू रीड शास्त्रांग, शास्त्र केवल अपने मन से पढ़ेंगे अपने, तो बहुत बार डाउट आ जाएगा वो सब। लेकिन हम अगर आचार्यों के कमेंट्रीज के द्वारा पढ़ते, प्रभुपाद के थ्रू पढ़ते, तो बहुत सेफ है। तो उनको पता है कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। खुद से पढ़ेंगे तो बोले अरे अर्जुन इतना इगोइस्टिक था, बट टू पैसिफाई दैट ब्राह्मण ही वाज। कभी कभी होता है ना, हाँ, कोई आदमी मेटलिस्ट आ जाता है और वो बोलने लगता है कि कंप्लेन करने लगता है, तो कभी अपने लोग को डांट देता है, तुम ऐसा क्यों किया, इनको ऐसा कैसे किया, समझ रहे, जबकि हमारा बच्चा ठीक किया था उसके साथ, समझ रहे। लेकिन बच्चे को डांट दिया जाता है, तुम ऐसा कैसे किया, ऐसा किया जाता है इनके साथ, हाँ तुम उनका गार्डन से फूल कैसे चोरी कर लिया, शर्म नहीं आया तुमको, अरे सब कुछ तो भगवान का है, चोरी क्या, पूरा सब कुछ हम लोग का ही। लेकिन अब उसको डांटना पड़ेगा उसके सामने, ऐसा चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल है कि बच्चा भगवान के प्लेजर के लाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंट है कि अगर शुद्ध भावना से लाया तो डांटा जा रहा है उसको, जस्ट टू पैसिफाई दैट पर्सन। तो प्रभुपाद जी बता रहे, वैसे ही कृष्ण जी को अर्जुन क्या बोला, ब्राह्मण को सेटिस्फाई करने के लिए क्या बोला, कृष्ण बेकार, हम बेकार, बोला आप मैं डाउट मत कीजिए हमारी शक्ति पे, मैं आपके मरे हुए बच्चों को वापस लाऊंगा, मैं यमराज से भी झगड़ा करना पड़ेगा तभी मैं झगड़ा करूंगा, लेकिन आपका बच्चा को ऐसा वचन देने के बाद ब्राह्मण को थोड़ा सा विश्वास वापिस आया, लगता है कुछ दम है, समझ रहे। ब्राह्मण चला गया, फिर जब उसका बच्चा पैदा करेगा, फिर से प्रयास करेगा, हम होंगे कामयाब। फिर दसवां बार उसको क्या हुआ, जब वाइफ प्रेग्नेंट हुई और पता चला डिलीवरी का डेट आ गया, तो उसने अर्जुन को बोला, अर्जुन थोड़ा दिन रुका हुआ था वहां पर, अब यहाँ रुकना पड़ेगा, कभी बचवा का डेट आ सकता है। तो बच्चा का जब डेट आ गया, समझ गया बच्चा होने वाला है कल, तो बोला आज रात को संभावना है कि बच्चा हो जाएगा। तो फिर अर्जुन को बोला कि आज हमारा ऐसा संभावना है बच्चा होने का, तो आप थोड़ा सा दी। अर्जुन ने हाँ इसी को तो हम रुका था, समझ रहे। When the brahmana's wife was to give birth to another child, the brahmana began to chant, "My dear Arjuna, please come now and save my child." उसका घर बगल में था। After hearing him, Arjuna immediately prepared himself by touching 75 water. उसने क्या किया? पवित्र जल को छू, गंगा जल इत्यादि को। उसके बाद मंत्र ओम नमः शिवाय। पहले हरे कृष्णा करता था, आज क्या किया? समझ रहे? और उसने होली मंत्र बहुत टू प्रोटेक्ट किया अपना, मैं तीर धनुष को रक्षा से बचाने के लिए, कष्ट बचाने के लिए, डेंजर से, समझ रहे। और आज उसने वो धनुष में वो तीर लिया जो शिव जी ने दिया था, शिव जी ने जो तीर दिया था, उसने कौन सा तीर लिया, वो सब तीर लिया जो शिव जी ने दिया था, और शिव जी का स्मरण किया, ओम नम शिवाय, ओम नम शिवाय, नम शिवाय, ओम नम शिवाय, समझ रहे। याद करने लगा कितनी बड़ी कृपा की थी शिव जी ने मेरे ऊपर, मैं उसे युद्ध किया था, वो आके मेरे को कृपा किए, मेरे को अस्त्र दिए, मेरे को बोले वीर तुम विजयी रहोगे, समझ रहे। और ये याद करते करते कहाँ पहुंच गया वो, मन मना भव मद भक्तो मद याजी, वहां शिव जी का पूरा ध्यान करके पहुंचा कहाँ पर, डिलीवरी पॉइंट पे, समझ रहे, खुद के घर, उनका जो ब्राह्मण का घर था, जब माँ बच्चा को जन्म देने वाली थी ब्राह्मण की पत्नी, और अपना गांडीव को लेकर गया था, और धनुष कौन सा था, बाण किसका था, शिव जी का दिया हुआ बाण, समझ रहे। और बहुत सारा और अस्त्र शस्त्र लेके गया था। तो अर्जुन जान बुझ के द्वारका से दूर नहीं गया था, he had not left द्वारका because he had to fulfill his promise to the Arjuna was called at night. ब्राह्मणा वाइफ वॉज टू गिव बर्थ टू द चाइल्ड, बच्चे को जन्म देने वाली, अर्जुन पहुंच गया। और उसने किसको याद किया था आज, शिव जी को याद किया था, एंड नॉट हिज फ्रेंड,
कृष्णा, ये थॉट कृष्णा को याद करके कहा, जब कृष्णा बोसे आछे देखे, मतलब बैठे बैठे वो रक्षा नहीं कर पा, इतना गाली दे रहा है ब्राह्मण से कृष्णा को कि अरे कोई छत्र जीवित नहीं है और कृष्णा बेटा चेस खेल रहा है, समझ रहे। तो कृष्णा को इतना गाली देने के बाद भी कृष्णा कुछ नहीं किया, लगता है हरे कृष्णा करने से कुछ होगा, तो उसने माला बदल दिया, समझ, रुद्राक्ष का माला लिया तुलसी का माला हटा दे, बट आज बीडबैग चेंज करेंगे ने? और उसने शिव जी को याद किया, शिव जी का मंत्र किया, कृष्ण का मंत्र आज बोला कि कृष्णा खुद ही रक्षा नहीं कर पाया तो उसका नाम का रक्षा करे, इसलिए शिव जी ठीक। इस प्रकार से भोपाल जी बोलते हैं, दिस इज अनदर इंस्टेंस ऑफ अ पर्सन हाउ ही टेक शेल्टर ऑफ द, ऐसे कोई देवी देवताओं का शेल्टर लेते, भगवत में बताया गया है कामेस्ते ते हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो जिसकी बुद्धि जो है मारी जाती है, हित ज्ञान खत्म हो जाती है, किसके द्वारा, लोभ के द्वारा, काम वासना के द्वारा, वो क्या करता है, देवी देवताओं की सेवा विकास करता है, जैसे ये भगवान उसके लिए जो अच्छा है वही देंगे, भगवान उसके लिए जो अच्छा है वही, जैसे एक लड़का बोला कि मैं बोला देखो तुमको यहाँ रहना तो तुमको 4:30 आना पड़ेगा, बोले नहीं मुझे मेरा माइंड ही काम नहीं करता, बोले माइंड काम नहीं करता तो तुम यहाँ नहीं रहे, समझ रहे। तो अब हम उसको चीट कैसे करें, समझ रहे। बोले पूछ दूसरा सेंटर में उतना स्ट्रिक्ट नहीं, दूसरा सेंटर में स्ट्रिक्ट तुम वहीं चले जाओ, यहाँ पर तो वो बहुत मंदिर घूम के आया था, घाट घाट का दिल्ली मुंबई बहुत घूम के आया था, समझ रहे। तो बोला पूछ जी वहाँ पर तो हमको कोई ज्यादा खुश नहीं था, मत तुम वहीं चले जाओ, लेकिन यहाँ पर तुमको, समझ रहे, जो तुम्हारे फिर ट्रेनिंग ही नहीं होगा, उनका आदत बन जाएगा माइंड का सुनने का। तो समटाइम पीपल थिंक अरे अब जिसको लगेगा कि नहीं हमको इमीडिएट एंजॉयमेंट चाहिए, अभी मैं अपना मन का नहीं सुन सकता, तो ठीक है, तो फिर वो लोग कोई और लोअर स्टैंडर्ड का शेल्टर देगा। काम स्थित ही तो सुबह का जो नींद होता है ना, गजब वाला, वो रात को नींद नहीं आता, रात में सुबह सुबह ही हमको एक स्पेशल नींद आती है, समझ रहे। इसको बोलते हैं दे आर नॉट एबल टू सी, फिर ये हैबिट बन जाएगा, बट जो सुबह उठे हैबिट बना सो जीवन भर 16 माला फ्री में हो, तो हैबिट बन जाएगा माला करने का, और बाकी समय में उतना ही काम होगा, ऐसा नहीं कोई एक्स्ट्रा काम करता माला नहीं करता। आप एक बार जॉब वूम में चले गए, 16 माला करने हैबिट, 16 माला प्लस आपका जॉब चले गए, परिवार चले गए, लेकिन जिसने हैबिट नहीं बना वो नहीं चलेगा, तो 2 साल हैबिट नहीं बनाया तो अब जीवन भर उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिला, जिसने हैबिट बना जीवन भर उसको फ्री में क्या मिलेगा। तो एनी हाउ जो लोग इमीडिएट बेनिफिट को देखते हो देवी देवता के पास चले जाते, ये कृष्ण तो भाई देंगे शुद्ध उद करके देंगे, वो चाहता है भाई शुद्ध करने के पहले दे दीजिए, हम उनको क्या कीजिए, अच्छा टीचर होगा वो आपका नॉलेज आपके अंदर आएगा तब आपको सर्टिफिकेट देना है, कि बिना नॉलेज के सर्टिफिकेट दे दे, कौन अच्छा टीचर है या कौन अच्छा आदमी जो बिना आपको ट्रेनिंग के आपको सर्टिफिकेट दे दे, एक बार सर्टिफिकेट दे दे ट्रेनिंग करे, है कोई नहीं, बहुत कम लोग ऐसा होगा, सर्टिफिकेट मिल गया तो बोले आप कोई टेंशन नहीं। तो लेकिन भगवान क्या है, चाह रहे शुद्ध हो जाओ फिर दे देंगे, तो बाद में फंसेगा। तो लेकिन कुछ लोग नहीं सुनते हैं, समय लगता है, ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग करके लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे ही फोकट में 2000 लो निकलवा, समझ रहे। तो घुस दो मतलब, तो भाई घुस देने वालों किसके पास जाते हैं, एजेंट्स के पास। तो वैसे ही देवी देवता के पुजारी कौन होते हैं, जो
भगवान बोलते थे देखो आराम से होगा भाई, सेवा अच्छे से तुम सीख जाओगे तब दे देंगे। Of course, Arjuna was not an ordinary living entity, but because of his friendly dealings with Krishna, he thought that Krishna was unable to give protection to the Brahmana, and that he would do better by remembering Lord Shiva. Later, it was proved that Arjuna's taking shelter of Lord Krishna instead of Lord Shiva instead of Krishna was not at all successful. Arjuna, however, did his best by chanting different mantras. उसने क्या किया, मंत्रा बोल बोल के इधर से एक धनुष बाण निकाला, इधर से निकाला, ऐसा एकदम प्रोटेक्शन बना दिया था कि मच्छर भी नहीं घुस सकता, कोरोना वायरस भी घुस नहीं सकता था, ऐसा पास उसने बना दिया। फाइनली ब्राह्मण की पत्नी ने क्या दिया, बच्चा। और बच्चा क्या करने लगा, क्या करता बच्चा, बट जैसे बच्चा रोने लगा, समझ रहे, और अर्जुन तो खड़ा ही था, कुछ नहीं होगा, बच्चा मेरे सामने पैदा, समझ रहे, आवाज हुआ मतलब रूम के अंदर, और आवाज हुआ और सडनली कुछ मिनट के अंदर बच्चा और अर्जुन जो इतना बाउंड से बनाया था स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर भी गायब हो गया, बच्चा भी, हरी बोल, दोनों गायब, समझ रहे। और ब्राह्मण का घर कृष्णा के महल के एकदम बगल में था, और कृष्णा सब देख रहे थे कि देखते हैं आज बेटा मेरा मंत्र जब बिना किए गया, आज माला वाला बिना किए गया, देखते कहा होते हैं। कृष्णा चुस्की ले रहे थे, समझ रहे कि ठीक है बेटा देख लो तू का शिव जी का मंत्र देखे कर लो जा, और गया, समझ रहे कि ठीक है तुम बेटा मेरे को आज मेरा भक्ति नहीं किया, समझ रहे। एक्चुअली कृष्णा ने सब चोरी करवाया था, कृष्णा ने क्या किया था, समझ रहे, इट वॉज ही हु प्लेड द ट्रिक ऑफ टेकिंग अवे द ब्राह्मण्स बेबी एज वेल एज द एरोज इंक्लूडिंग द वन गिवन बाय, समझ रहे, ऑफ विच अर्जुन वॉज सो प्राउड। लेकिन देवी देवताओं का फल कैसा होता है, अंतवंतु फलम, जैसे बच्चा पैदा हुआ बाण भी गया और बचवा भी गया, तेषां तद्भवत् अल्पमेधसाम, इसलिए कम बुद्धि वाले देवताओं के पास जाते। अरे देवता लोग खुद अस्थाई हैं, खुद बदलते रहते हैं, आपको क्या दें। इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड अदर्स ब्राह्मण, अब उसको मौका मिला, पहले अर्जुन बोला था मैं कृष्ण नहीं हूं मैं अर्जुन हूं, अब ब्राह्मण चिल्ला रहा चालू क्या, देखो देखो मेरा पागलपन को देखो देखो कितना बड़ा पागल हूं, ये जो छक्का है अर्जुन को डायरेक्ट क्या बोला, ये हिजड़ा अर्जुन इस पे विश्वास क्या मेरे, खूब एकदम सबके सामने पब्लिक जुट गया, रात का 12 बजे से लेकर पब्लिक जुटने में टाइम नहीं लगता, पूरा मीडिया खबर लेने आ गया, समझ रहे, जी टीवी और क्या क्या आज तक और कल तक, समझ रहे, सब चैनल न्यूज़पेपर रिपोर्ट एकदम वाइड कवरेज लेके आ गया, समझ रहे, कि एकदम उसको खूब गाली दिया, और क्या क्या गाली दिया कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, हरे कृष्ण तिलभूपाद की।